हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। अभी मैं हूँ राव जोधा नेशनल पार्क के सामने। मैं जिस जगह पे होटल पे रुका हूँ उस जगह नाम है मानक चौक। मानक चौक से राव जोधा नेशनल पार्क तक का ऑटो का फेयर मांग रहा था 150 रुपये, लेकिन मैं ऑनलाइन में देखा जो कि उबेर मोटो में 50 रुपये दिखा रहा था, तो मैं वही बुक किया। अगर आप लोग फैमिली लेके हैं, 3 जन या 4 जन हैं, तो फिर आप उबेर बुक कर सकते हैं। उबेर में 80 रुपये दिखा रहा था, लेकिन ऑटो वाला 150 रुपये 200 रुपये मांग रहा था। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे उबेर अवेलेबल है। तो अगर आप लोग आना चाहे यहाँ पे तो उबेर कर सकते हैं, उबेर के द्वारा भी आ सकता है। इसमें आपको काफ़ी सस्ता मिलेगा। ये है राव जोधा नेशनल पार्क का एंट्रेंस। ये बोर्ड लगा हुआ है। इस साइड में चला गया मेहरनगढ़ फोर्ट और इस साइड से मैं आया हूँ। अभी एंट्री कर रहा है राव जोधा पार्क में। यहाँ पे कोई एंट्री फीस लगता है नहीं है, देखता हूँ आगे जाके। इस जगह का व्यू मॉर्निंग में ही अच्छा लगता है। ये सुबह के 7 बजे ये ओपन हो जाता है। लगता है एंट्री फीस होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ। इधर में एंट्री फीस लगा 100 रुपये का। ये देखिए कंट्रीब्यूशन 100 रुपीज़ का, और साथ में ये एक गाइड बुक भी दिया कि कहाँ पे क्या क्या है, इस बुक में लिखा हुआ है। ये इस साइड से इंटर किया और इधर से जाके हाथी नहर इधर से है। सुबह के टाइम में अच्छा ही लग रहा है जगह देखने में। लेकिन जंगल है, थोड़ा सा संभाल के चलना होगा। साइड में कुछ नहीं है। इस साइड इधर ऐसा एरो दिया हुआ है जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि क्या क्या देखना है और किधर जाना है। देखिए इधर में क्या क्या देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, ये सब है यहाँ पे। Thank you.
से मैं आया इधर कैक्टस के पेड़ लगे हुए हैं और इधर पीछे मेहरनगढ़ फोर्ट है और ये रास्ता आगे की तरफ जा रहा है। यह इस साइड में एक लेक है, लेक का एरो दिखा रहा है और इस साइड से भी रास्ता है। मैं ये येलो एरो को फॉलो कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से ये साइड दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले थोड़ा सा लेक देख लेते हैं उसके बाद आते हैं। यही वो लेक है जो दिखा रहा था एरो में इंडिकेशन, और ये पीछे मेहरनगढ़ फोर्ट है। अभी थोड़ा देर पहले ही सनराइज हुआ है। एक स्क्विरल एकदम मेरे सामने है, मेरे से डर भी नहीं रहा है। लेक देखने के बाद अभी एक दूसरा जगह पे मैं जा रहा हूँ। जैसा कि इंडिकेशन किया हुआ है उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सुबह आया इसलिए शायद कोई गाइड अभी तक मेरे को नहीं पकड़ा है, नहीं तो यहाँ के हर जगह पे एंट्री के टाइम में आपको गाइड आके पूछेगा कि गाइड चाहिए कि नहीं। ऐसे इस पूरे ट्रिप में तो मैं अभी तक कोई भी गाइड हायर नहीं किया हो, क्योंकि मैं, आप तो जानते हैं, मैं थोड़ा बजट ट्रिप करता हूँ और ग्रुप में आने से गाइड का कॉस्ट ठीक रहता है। इसलिए पूरा राजस्थान में जितना भी प्लेस है मैं घुमा हूँ इस ट्रिप में सारा बिना गाइड का ही घुमा हूँ। कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। इधर कहीं से तो पानी का साउंड आ रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही येलो इंडिकेशन दिया हुआ है मतलब इस साइड पे जाना है। अभी दुर्गा पूजा का सीज़न है इसलिए काशफूल भी लगा हुआ है। दूसरा इंडिकेशन इस साइड में है,
इधर बहुत सारे कैक्टस के पेड़ हैं। देखिए मैं हर जगह पे येलो कलर का इस मार्क को फॉलो कर रहा हूँ। दूसरे कलर का मार्क भी है, उसका क्या मीनिंग है पता नहीं, लेकिन मैं येलो मार्क को ही फॉलो कर रहा हूँ। अभी मैं बाहर आ गया हूँ राव जोधा नेशनल पार्क से। अभी देखता हूँ यहाँ से ऑनलाइन मिलता है या फिर ऑटो पकड़ना पड़ेगा, फिर जाऊँगा मैं उम्मीद भवन पैलेस और मंदोर गार्डन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।